बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर नवी साबरी। मैं यूसीपी पंजाब कॉलेज और पैक में डिफरेंट लेवल्स को पढ़ाता हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे मेरे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह हैं। ओवरऑल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 20 ईयर्स का है, लेकिन कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स को, CSS PMS को के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए मुझे 15 ईयर्स हो गए। तो आज जो एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उसमें यह है कि इंग्लिश की CSS और PMS के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें चंद एक बातें आपसे शेयर करनी है और कुछ गाइडलाइंस भी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूँकि इंग्लिश होता है हमारे इन कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को जो भी कुछ रीडिंग करनी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो भी इंग्लिश में करनी है, और सेकेंडली जो उन्होंने एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करना है, जो पेपर देने हैं, वो भी उन्होंने इंग्लिश में देने हैं। तो स्टूडेंट्स का जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो ये कि वो इंग्लिश को सही तौर पर टेक ऑन नहीं कर पाते, इंग्लिश का सही तौर पर उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता। वो अदर सब्जेक्ट्स को तवज्जो तो दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो उन सब्जेक्ट्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, मतलब वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने लिखना तो इंग्लिश में है ना पेपर में जाके, तो उनको इंग्लिश के जो बेसिक स्किल्स हैं उसका आइडिया नहीं होता स्टूडेंट्स को, इस वजह से वो उनको प्रॉब्लम आती है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूँकि इन सब इन एग्ज़ाम्स का इंग्लिश है, इसलिए ये एक सबसे बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ये कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट अगर इंग्लिश का एक अच्छा राइटर बन गया है और उसने अगर पॉलिटिकल साइंस का भी एक क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है पेपर में, तो इंग्लिश की जो स्किल्स हैं, जो राइटिंग स्किल्स हैं, वो उसे बेस प्रोवाइड करेंगी। वो बेस कैसे प्रोवाइड करेंगी कि जब उसने सीखा होगा कि कैसे उसने अपने आंसर्स को आउटलाइन बनाना है, कैसे उसने प्लान करना है, प्लान करके उसने कैसे उनको मटेरियलाइज करना है और उनको अपने आंसर्स में लेके आना है उन सारे आइडियाज़ को, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ लाएगा और एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी होगी, उसे लिखने में आसानी होगी स्टूडेंट्स को, तो बड़ी आसानी से एग्ज़ामिनर के माइंड तक उसकी बात पहुंच जाएगी और वो नंबर लेगा एग्ज़ाम में। और फिर जो तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से CSS और PMS में है, वो ये कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फेलियर भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में है। दो जो पेपर्स हैं, इंग्लिश ऐसे का और इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन वाला, इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फेलियर है। ये रेट ऑफ फेलियर क्यों है, इसकी दो रीजंस हैं। नंबर वन तो ये कि स्टूडेंट्स सही तौर पर जो है वो इसको टाइम नहीं देते, एंड नंबर टू ये कि उनका जो है वो उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है उनके पास, वो इंग्लिश का बहुत कम होता है। लाइक वोकैबुलरी स्किल्स हैं, ग्रामर स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ये सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया होता, इसलिए वो अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। ये असल एक इशू है। असल में स्टूडेंट्स, चीज़ ये है कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज एक बड़ी वास्ट चीज़ होती है, और हम सारी की सारी लैंग्वेज को ज़ाहिर नहीं पढ़ सकते, हमने टारगेटेड एरियाज़ को पढ़ना होता है। तो स्टूडेंट्स को समटाइम यही नहीं पता चलता कि कौन कौन से एरियाज़ को उन्होंने ज़्यादा टारगेट करना है। मतलब देखें ना, एक चीज़ दूसरी के बेस पे होती है। अब जब स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि किसकी बेस पे कौन सी चीज़ है और हम कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी हमारी रेडी हो जाएगी, मतलब इस वजह से फिर वो फेल होते हैं। जैसा कि अब वोकैबुलरी स्किल्स हैं, वोकैबुलरी स्किल्स में अगर वो प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रूट वर्ड्स वगैरह की का नॉलेज लेंगे, तो अल्टीमेटली उनका जो ऐसे वर्ड्स जो उनके पहले से उनको मतलब वोकैबुलरी नहीं है उनकी, और ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग वगैरह का नहीं पता होता, तो वो प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रूट वर्ड्स को यूज़ करते हुए बड़ा इजीली उनका मीनिंग तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये तीन बातें हैं जो कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को शो करती हैं।
एक तो ये कि वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नंबर टू अदर सब्जेक्ट्स को भी इंग्लिश सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंड नंबर थ्री ये कि इसमें रेट ऑफ़ फेलियर बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में, इसलिए इसके ऊपर स्टूडेंट्स को फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।